हेलो दोस्तों, आज मम्मी पापा से पूछने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। देखना आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पहला सवाल आप लोगों से ये है कि ये आपकी कौन सी वेडिंग एनिवर्सरी है? आपसे आप मत बोलो। 35वीं। सही है, बहुत सही है, बहुत सही जवाब है। क्लैपिंग हो जाए पापा के लिए। अगला सवाल आपसे ये है, पापा जी का फेवरेट फूड क्या है? चूरमा। क्या है सही आंसर? सही है, खीर और ऐड करते थे थोड़ी बहुत। हाँ, खीर और खीर चूरमा, जो भी चूरमा, ऐसे चूरमा ज्यादा पसंद करके खाते हैं। चलो, मतलब पापा जैसे वीकेंड्स पे ऑफिस जाते हैं तो मम्मी चूरमा पैक करके देती हैं उनको। हर मंडे का यही काम है, सुबह 4 बजे उठ के चूरमा पैक करना। सही बात, सही। मम्मी जी की डेट ऑफ बर्थ क्या? 17 जनवरी 1974। क्या बात है, आपको लगा था कि पापा बता पाएंगे एग्जैक्ट? हाँ बिल्कुल। चलो, पापा जी की सबसे अच्छी और बुरी बात बताओ। सबसे अच्छी, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत ऑनेस्ट है, ये अच्छी है। और सबसे बुरी, बहुत कंजूस है। कंजूस? कट कंजूस नहीं है पापा, क्योंकि मेरे मित वही है। मित वही है तो बहुत खतरनाक वर्ड बोल दिया। मित वही है, मतलब कंजूस नहीं बोल सकते, लेकिन मित वही बहुत है। मम्मी जी की अच्छी और बुरी बताओ। अच्छी, लड़ाई करके भी आध पौन घंटे नॉर्मल हो जाती है। ये अच्छी है कि लड़ाई करते हैं और फिर नॉर्मल हो जाते हैं। ओके, और बुरी? लड़ते हैं। बुरी, इनका वेट कम नहीं हो रहा, बुरी लगती है। ये मतलब हार्ड वर्क नहीं कर रहे? हार्ड वर्क नहीं करती, हार्ड वर्क नहीं करती, शरीर की तरफ ध्यान नहीं देती। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था पापा ने, याद है? क्या? मेरे को गोल्ड चेन दी थी, सबसे पहला गिफ्ट ही था, उससे पहले, और वो भी मेरी 25वीं एनिवर्सरी पे। क्या बात, उससे पहले गिफ्ट नहीं दिया? नहीं, छोटे मोटे गिफ्ट दिए थे पर वो याद नहीं। वो गिफ्ट नहीं थे, वो मेरी गिफ्ट के रूप में मेरे को 25वीं एनिवर्सरी पे गोल्ड चेन दी थी। चलो कोई बात, उससे पहले गिफ्ट नहीं दी कोई। सही बात। मम्मी जी की कौन सी चीज इरिटेट करती है आपको? मतलब जब किचन में होती है ना, किचन में जब खाना बनाती हैं और उस टाइम कोई अगर घुस जाता है तो उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से होती है, तो वो इरिटेट करती है। अब आपको क्या दिक्कत होती है किचन में कोई और घुसता है तो? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं होती बस, लेकिन इनको किचन में कोई और पसंद नहीं है, मैं अकेले रहूं। हां, दूसरा कोई, मतलब मैं काम कर रही हूं, दूसरा कोई ऐसे टिम-टिम करे तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप दोनों में से मोबाइल ज्यादा यूज कौन करता है? मम्मी। मैं आपकी मम्मी करती है। आजकल तो मेरे को नहीं लगता, पापा भी हाँ, कम है। वही वही वही, इसलिए मैं हाँ बोल रही हूँ। चलो कोई नहीं, नहीं तो सच बताओ। वैसे पापा ही करते हैं। हाँ करता हूँ। मम्मी तो दोपहर को सोई रहती है, आप लगे रहते हो फेसबुक वीडियो देखने। चलो, ज्यादा लेजी कौन है? मैं। मम्मी मम्मी। मोबाइल ज्यादा है मम्मी। ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? वो भी मम्मी। क्या बात है। दोनों में से वॉशरूम में ज्यादा समय कौन लगाता है? वॉशरूम में मैं लगाती हूँ ज्यादा। नहीं, नाम आ गए तो आप जल्दी आ जाते हो। वॉशरूम मतलब नहाना धोना, ज्यादा टाइम मेरा ही लगता है कि मैं नहाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सारे नहीं लगाती। ओके ठीक है। पहले सॉरी कौन बोलता है जब लड़ाई होती है? मम्मी तो कभी सॉरी बोलती नहीं, आज तक बोला नहीं कभी। मैंने बोल दिया ना, पापा बोलते हैं सॉरी, बोलते नहीं है, सॉरी बोलते नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी देर के लिए लड़ाई करती हूँ ना, फिर मैं बोल देती हूँ, सॉरी नहीं बोलते, पर वैसे मैं बात करती हूँ, स्टार्ट में ही करती हूँ। तो ये तो भारत में देखो 35 साल हो चुके हैं मम्मी पापा की शादी को, लेकिन जेंट्स ही सॉरी बोलता है, ये तो आप सीख लीजिए। सॉरी नहीं बोलते, सॉरी सॉरी नहीं बोलते हैं पापा कभी, मतलब गुस्सा हो जाते हैं तो ही माफ तो कर देते हैं। गुस्सा ज्यादा कौन करता है? आपकी मम्मी, पता ही है, कोई बताने वाली बात है भाई। पापा में बहुत पेशेंस ज्यादा किसमें? पेशेंस पापा में ज्यादा है। क्यों पता नहीं क्यों है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि इतना पेशेंस है क्यों। क्योंकि आप गुस्सा करते हो इसलिए, ऐसी थी बात है। ज्यादा खाना कौन खाता है? पापा। खाना लेकिन लगता है इनको है, ये मम्मी को है, ये मोहब्बत है कि वो खाते हैं, इनको लगता है। फैशन कौन मारता है ज्यादा? फैशन? हाँ, तो मैं ही करता हूँ, मम्मी करती है। ये रेब बिन की चश्मा तो पापा ने रख रखी है यार, मेरे पास भी है। अच्छा, आपके पास है। हाँ। ज्यादा पैसे कौन खर्च करता है? मैं। आप ही करते हो। बच्चे किससे ज्यादा डरते हैं? पापा से डरते हैं, मेरे से तो कोई बच्चा डरता ही नहीं है। अच्छा। मारा किसने ज्यादा है? पिटाई मैंने की है।
डरते पापा से ऐसे हाँ, डरते पापा से है पिटाई मैंने की है ज्यादा, डरते बच्चे पापा से ही है, मतलब सब जगह यही होता है। आप दोनों में यंग कौन लगता है ज्यादा? है वो फैसली मैं ही लग रही हूँ। ये दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा दोनों को, आप देखिएगा यंग ज्यादा कौन लग रहा है। सही बात है, फैसली मैं ही हूँ। सोते टाइम ज्यादा खर्राटे कौन लेता है? मैं। हाँ फिर हाँ, पहले सो गया नहीं फिर सोने देते भाई। सही बात है, इन्हें कहना है पापा कहना है कि पहले अगर कोई सो गया तो सो गया, उसके बाद मम्मी के बाद कोई नहीं सो सकता, इतने ज्यादा खर्राटे लेते हैं। सही बात है। आपका ड्रीम चाइल्डहुड क्या था, मतलब चाइल्डहुड में ड्रीम क्या था, बचपन में कोई ड्रीम आपका? मेरा ड्रीम ये था कि पढ़ाई करके कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना था, जो हुआ नहीं कोई बात नहीं, तो अच्छा हुआ। आपका ड्रीम क्या था? मेरा ड्रीम यही था कि मैं अच्छे से बढ़िया सा घर हो मेरे पास और मस्ती से रहूं। जो आप रह रहे हो अपना ड्रीम पूरा हो रहा है। 35 साल आपने पापा के साथ रह के पापा के बारे में दो मिनट तक मत बोलिए, अच्छा बुरा जो भी हो। 35 साल का आपका करियर एक्सप्लेन कीजिए विद योर हस्बैंड। अच्छाई के लिए वास्तव में बहुत अच्छे अच्छे आदमी है, अच्छा पति बोलते हैं ना, वास्तव में बहुत अच्छे पति हैं। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है हर जगह पे, अच्छे बुरे हर वक्त में मेरा साथ दिया है। इनकी ईमानदारी के ऊपर तो कोई शक है ही नहीं, बहुत ईमानदार आदमी है, हार्ड वर्कर है बहुत ही। और वो एक अलग बात है कि ध्यान नहीं देते हैं कभी कभी, लेकिन अच्छा कंजूस बोला उसके ऊपर कोई स्टोरी? कंजूस का मतलब ये है कि ठीक है हाँ कोई नहीं, ये चीज लानी नहीं भी नहीं लानी। तो फिर आप कैसे करते हो उस चीज़? फिर वो थोड़ी सी लड़ाई करके लानी पड़ती है। फिर लड़ना पड़ता है, नहीं लानी है ये घर में, ये चीज चाहिए चाहिए, ऐसे करके लानी पड़ती है। अच्छा, उसको मम्मी तो खुद के हाथ से पैसा खर्च नहीं करते हैं, मैं कर लो मैं ले आऊंगी कोई नहीं। अच्छा, खुद के हाथ से कोई चीज नहीं लेके आते है। आप बोलिए मम्मी के बारे में, 35 साल का करियर कैसा रहा आपका? 35 साल का करियर हमारा बहुत अच्छा रहा है, और अभी ओवर वेट हो गया कोई बात नहीं, पर पहले वेट कम था, अब धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम से वेट कम हो गया, पर अभी भी वेट ज़्यादा होने से भी उतना वो इफेक्ट नहीं है इनके बॉडी के ऊपर, काम उतना ही जल्दी करती है, उतनी फुर्ती से फुर्ती से काम करती है, फास्ट करती है। ये नहीं कि वेट ज़्यादा हो गया तो आलसी हो गई, और अभी आगे कह भी रही है कि मैं वेट कम कर लूँगी, तो 37 भी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ तो हम चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप एक बार प्रॉमिस कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो में मैं पतली दिखूंगी। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी, ये भी नहीं कि 2 साल बाद बना रही हूँ, नहीं मतलब अभी इस लॉकडाउन में नहीं बनेगा। आप 6 मंथ? हाँ 6 मंथ, चलो 6 महीने, मतलब अभी वेडिंग एनिवर्सरी आज 12 मई है, तो फिर हम मान के चलते हैं नेक्स्ट एनिवर्सरी तक, ये 6 महीने से एनिवर्सरी पे आ गए। नहीं दिवाली तक का इनके प्रॉमिस करते हैं कि वेट कम करेंगे, जब दोबारा तू आएगा वापस मुंबई से अगले वीडियो तक ये कम कर देंगे। ठीक है, चलो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।